एक्सरसाइज फ्राम बुक मै दोल्ड क्लास बुक एन सी आर टी मैं इसका हिंदी एक्सप्लेन पहले ही करा चुकी हूँ अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा वो वहाँ जाकर भी देख सकते हैं तो चलिए शुरू करता हूँ अपनी आज की वीडियो रीडिंग इज वन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वॉट आर द टू इंस्ट्रूमेंट्स दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले वो दो इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं जो म्यूजिक मैन ने बजाए आंसर द म्यूजिक मैन कैन प्ले टू इंस्ट्रूमेंट नेमली प्यानो एंड बिग ड्रम जो म्यूजिक मैन है उसने दो बाजा बजाए उसका नाम एक का नाम है प्यानो दूसरा का नाम है बड़ा सा ढोल यानी कि बिग ड्रम क्वेश्चन नंबर टू वेर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम म्यूजिक मैन कहाँ से आया था आंसर द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम फार अवे लैंड जो म्यूजिक मैन है वो बहुत दूर की किसी धरती से आया था लेट स्टॉक का क्वेश्चन नंबर फोर्ट इफ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू वॉट वुड यू आस्क हिम टू प्ले फोर यू अगर म्यूजिक मैन तुम्हारे पास आता है तो तुम उसे क्या बजाने को कहोगे आंसर आई वुड आग द म्यूज़िक मैन टू प्ले माउथ ऑर्गन फॉर मी देखो बच्चों अगर म्यूज़िक मैन मेरे पास आता है तो मुझे माउथ ऑर्गन बजाना नहीं आता है तो ऑफकॉर्स मैं से वो बोलूँगी तुम तो मेरे लिए माउथ ऑर्गेन बजाओ। लेकिन आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि यही आंसर लिखे आपको जो मना आप जो बजवाना चाहते हैं आप उसका नाम भी लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू वॉट वुड यू लाइक टू लर्न म्यूजिक डांस और कराटे आपको क्या आप क्या सीखना चाहोगे म्यूज़िक डांस या कराटे तो डांस ठीक ठाक आता ही है कराटे सेल्फ डिफेंस थोड़ी बहुत आती है स्कूल के वजह से सो आई वुड टू लर्न म्यूज़िक बिकॉज मेरा म्यूज़िक में बहुत ही बेकार है सो आई वुड लाइक टू लर्न म्यूजिक बट आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी इसमें आंसर लिखते हैं आपको इन तीनों में से जो भी पसंद हो आप वो आंसर फिल आउट कर सकते हैं और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या सीखना चाहेंगे म्यूजिक डांस या कराटे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेट्स राइट आपको क्या करना है इस क्वेश्चन पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है टेबल दिया हुआ है आपको क्या करना है इस पर मैच करना उसके है उसके बाद आपको सेंटेंसेस बताने हैं जैसे कि आपको अ फार्मर फार्मर क्या करता है एक्ट प्ले सॉरी फ्लाई प्ले वेयर सिंग रिपेयर वर्क तो क्या करता है वो काम करता है और शोल्डर क्या करता है फ्लाई प्ले तो इस तरीके से आपको क्या करना है इसको करना है पहले मैच करना है आफ्टर देन उसको सॉल्व करना है तो जैसे अ फार्मर वर्क इन अ फील्ड ठीक है तो जैसे अ फार्मर है तो आपने यहाँ पे मैच किया वर्क के साथ फिर इन द फील्ड के साथ और फिर इस टाइप का आपको जैसे मैंने फर्स्ट में आपको बना रखा है फिर इस टाइप का आपको डेफिनेशन बनाना है कि अ शोल्डर वेयर अ यूनिफॉर्म जो हमारा सिपाही है वो क्या पहनता है अपनी यूनिफॉर्म पहनता है सिंगर सिंग सॉन्ग जो सिंगर है वो गाना गाता है एंड इलेक्ट्रिशियन रिपेयर द लाइट जो इलेक्ट्रिशियन है जो लाइट को सही करता है अब पायलट जो पायलट है वो प्लेन को क्या करता है उड़ाता है एन एक्टर एक्ट्स इन फिल्म जो एक्टर है वो एक्टिंग करता है फिल्म में अ म्यूजिशियन प्ले म्यूज़िक जो म्यूजिशियन है वो म्यूज़िक बजाता है नेक्स्ट है कि आपको क्या बताना है इस वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स में कुछ आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए हुए हैं वो आपको फाइंड करना है और लिखना है जैसे पहले हमें दिख रहा है एक तारा आई के टी ए आर ए एक तारा तो हमारा ये फर्स्ट हो गया फिर सेकेंड है हमारे यहाँ दिख रहा है हमको पियानो है ना फिर थर्ड दिख रहा है हमको यहाँ पे सितारा फिर यहीं पे हमको दिख गया ड्रम यहीं पे हमको फ्लूट भी दिख गया है कि यहाँ पे हमें फ्लूट भी दिया हुआ है और कुछ छूट रहा हो हमारा तो अभी हमें इतने ही दिखे हैं तो मैंने आपको क्लैरिटी में यहाँ पे भी दे दिया है ये ये आपकी चीज़ें हैं जैसे पहला हो गया आपका एक तारा दैन सितारा ड्रम फ्लूट एंड पियानो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वन पे आपको क्या करना है ये वो जो आपको सिंगुलर में दिए हुए हैं आपको इनको किस में कन्वर्ट करना है आपको इनको प्लूलर में कन्वर्ट करना है ठीक है जैसे तो बेंच है तो उसका बेंचेज़ हो जाएगा ब्रश का ब्रशेज हो जाएगा ग्लास का ग्लासेज हो जाएगा मैं इसकी पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगी और उसका डिस्क्रिप्शन मैं इसमें डाल दूँगी तो बेंच का ई एस जहाँ पर लास्ट में सी एच एस एच डबल एस एक्स एस सिंगल एस यहाँ पर डबल एस की बात नहीं है सिंगल एस ओ टी ओ जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके लग जाएंगे सीधा सीधा आपका वहाँ लग जाएगा ई yes. एस ठीक है तो सी एच एस एच एस एस एक्स एस और टी ओ जहाँ पे लिख जाएगा आपका वहाँ सिंपली आपको कुछ नहीं करना है वहाँ आँखें बंद करके आपको क्या कर देना है वो उन वर्ड्स के आगे आपको ई एस लगा देना है और वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके प्लूलर में ठीक है डियर एक ऐसा है जिसको आप प्लूलर करेंगे तब भी वो आपका डियर ही रहेगा शीप का भी शीप रहता है बिकॉज कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपका एज इट इज रहता है ठीक है उसके बाद आते हैं हम अपने टूथ पर जितने भी डबल ओ वाले चीज़ें होती हैं वो आपकी डबल ई में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है और इसे ये वुमेन है तो वुमेन का जो ए है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ई में ऐसे ही यहाँ पे मेन है तो मेन का ए कन्वर्ट हो जाएगा ई में अब देखो यहाँ पे डबल एस है तो कॉमन सी बात है इसके आगे हमारा लग जाएगा ई और यहाँ लग जाएगा एस चाइल्ड है तो चिल्ड्रन बन जाएगा सी एच आई एल डी आर ई एन ऑक्स है ऑक्स हो जाएगा इसका ई एन लग जाएगा यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया था आपको लास्ट में अगर एक्स है तो उसके आगे मतलब ई एक्स लगता है लेकिन आपका जो ऑक्स है उसके आगे ई एन लग जाएगा माउस का हो जाएगा माइस एम आई सी ई एम आई हो जाएगा एम आई सी ई तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लैरिटी से लिख दिया है मैंने कि तूत का तीत डबल ओ के बदले डबल ई ए, ए के बदले ई माउस के बदले माइस ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सिन चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन मैन का हो जाएगा मैन और क्लासेस का क्लास का हो जाएगा क्लासेस इसी के साथ हमारा ये भी होता है फिनिश और हमारी आज की वीडियो भी होती है फिनिश गाइस आज की वीडियो यहीं तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले कीप प्लानिंग स्टे सेफ थैंक यू बाय बाय